कुछ महीने पहले मेरी बहन का शादी था, सोचा दोस्त लोग को बुला लेता हूँ। पर मेरे दोस्त भी बड़े बुकड़ किस्म के, जिनका आने का खर्चा, जाने का खर्चा और टिप्स वो सब अलग, और पार्टी भी अलग। किसे में देखा 2 500 का नोट था, समझ गया कि भाई ये सब औकात से बाहर है। ऐसा भी नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, पर कैसा ज़्यादा भी रिस्क लेना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, तो इसलिए दो लड़के लोग को बुलाया मैंने। दोनों आए बस थे, एक अपने ज़िंदगी में व्यस्त थे, दूसरा एकदम भाई टशन में आ रहा है। भाई आए आए हॉल के अंदर आए, ये बंदा आते वक्त की सनग्लासेस पहन के आ रहा है, वो भी ऐसे जगह पर सनग्लासेस पहन के आ रहा है जहाँ पर एसी मानो बर्फ़ का गोला फेंक के मार रहा हो। कान में बोला, भाई सनग्लासेस निकाल दे भाई, इज्जत गंवा रहा है तू मेरा। बंदे ने सनग्लासेस निकाला, फिर भाई वहाँ पर स्पीकर में गाना बज रहा है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, और इसके एयरफोन में गाना बज रहा है, बेबी आई कांट अंडरस्टैंडिंग, ये सब गाना बज रहा है। भाई साहब को बोला, भाई एयरफोन भी निकाल ले। एयरफोन निकाला, आते वक्त ही जूस वगैरह पी लिया था, तो भी एज अ फॉर्मेलिटी मैंने उसको पूछा, भाई जूस वगैरह पिएगा क्या भाई? अरे वो सब छोड़ भाई, वो कौन है? ऐसा भी नहीं भाई, वो कौन है? भाई वो लड़की देख रही है, लड़की पहचान वाली, हंस रही है। भाई मैं समझ गया, भाई ये अच्छे दिन के दिन भी मुझे मार खिलाएगा। गपचुप में साइड में निकला और चला गया। दोनों ऐसी वहाँ पर बैठे थे, ऐसी मेरे को देख के हंस रहे थे। चल रहा था, थोड़ा टाइम हो गया, शादी वगैरह हो गया, खाना का टाइम हो गया। मैं गया भाई बंदे लोग से मिलने। एक बंदा भाई एकदम अपने अपने ज़िंदगी में था, जैसे पहले बोला मैंने, ये दूसरा बंदा भाई चप्पल का फ़ोटो निकाल रहा है, चप्पल का। भाई साहब इतना हंसने आया, चप्पल का फ़ोटो निकाल के क्या करता होगा, स्नैप में डाल रहे। और स्नैपचैट इतना भाई आजकल बावले हो गए बच्चे। एक बंदा भाई मेरे को स्नैप में रोज टीवी भेजता है, अपना घर का मिक्सर का फ़ोटो भेजता है, रिक्शा का फ़ोटो भेजता है, रोड का। मैंने तो पूरा दुनिया उसी की वजह से देखा। तो भाई ऐसी ऐसी और एक दोस्त है मेरा जो MBA कर रहा है, वो तो अपना पूरा नोट्स का मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है। अभी अगर उसने एग्ज़ाम दिया तो वो फेल हो जाएगा, पर मैं नहीं फेल होऊंगा, इतना उसने नोट्स भेजा मुझे। तो पूछा, भाई तुम लोग इतना क्यों डालते हो करके? तो बंदा बोल रहा है, भाई मेरा स्ट्राइक बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, वो बढ़ाना है। बोला अच्छा अच्छा है बोला, और मनी में चूतिया बोल के आगे बढ़ गया। और ये सब तो छोड़ी दो, ये सब तो छोटी छोटी बात है, सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है पता है? मेरे दोस्त लोग के साथ घूमने जाना। एक बार ऐसी प्लान बना कि चलो मुंबई जा के आते, फोटो शूट करते। गए भाई सभी मुंबई के लिए, डोंबिवली स्टेशन में से जा रहे थे, सभी के पास 1000 रुपये था, अच्छा खासा पैसा था, थोड़े जन को छोड़ के। ये बंदा 30 रुपये का टिकट नहीं निकाल रहा है। गए फिर CST गए, जाने के बाद उतर गए, फिर मरीन ड्राइव्स गए फोटोशूट को। वहाँ पर भाई चेयर लगा हुआ था, जैसे कि बाजू में सब चेयर लगा हुआ रहता है, वहाँ पर अपना कपल्स बैठे थे हर बार की तरह। ये एक बंदा भाई ऐसे ही देख रहे, उसे ऐसे ही देख रहे। हम भाई अपना शूट के लिए तैयार हो रहे, ये बंदा बोल रहा है मैं यही बैठूंगा, तुम लोग शूट कर लो। हमने बोला ठीक है, अच्छा सीनरी, हम सब शूट करने बैठ गए। ये बंदा वहाँ पर बैठ के ऐसे अंदर ही घुसा पड़ा है, ऐसे ही। हम अपना शूट वगैरह कर रहे, हमने घर से कपड़ा लाया था, क्योंकि पता है तभी के टाइम पे भाई फोटो शूट मतलब भाई एकदम अलग क्रेज था। सब लोग 100-100 रुपये नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करके फोटो निकालते थे, अभी तो पिक्कार्स में सब ब्लर वगैरह करते हो, बात अलग है, पर तभी ऐसा था जब मैं 11वीं में था। फिर भाई हम फोटो वगैरह हम निकाल रहे, भाई निकाल रहे, हो गया हमारा फोटो वगैरह निकाल के, हो गया। फिर हम बोले चल चलते, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल चोमू, चल चोमू चलते बोले, उसने वो बैग चेयर पर ही रखा है। हम लोग चल रहे, चलते चलते आगे बढ़ रहे, हम ऐसे ही दूसरे का जोक बना रहे, वो ऐसा ये ऐसा, हम चलते जा रहे। बाद में याद आया कि भाई कैमरा का बैग तो रह गया, भाग 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 के आ रहे पीछे, सब जगह ढूंढा, और मिलेगा भी कैसा, जो जगह ही चोर लोग का है नॉर्मली, वहाँ पर आते ही चोर लोग है जो अपने घर से पैसा उठाकर अपने बाबू को आइसक्रीम खिलाते। फिर क्या भाई, आया आया, मिला नहीं, ऐसे दुखी दुखी से भाई आए वापस स्टेशन। अभी बोला चलो घर जाते, बाद में देखते क्या होता है और क्या नहीं, निकल गया हम। फिर ट्रेन भी आ रहा नहीं है भाई, ट्रेन का वेट कर रहे हम, 4 लोग थे, वेट कर रहे भाई, वेट कर रहे, ट्रेन आया, मैं और चोमू चढ़ गए, बाकी के 2 दोस्त रह गए, एक के पास पैसे, एक के पास पैसा नहीं। फिर इनको पकड़ लिया TC ने, हम लोग चढ़ गए ट्रेन में। ये बंदा भाई फ़ोन पे रो रो के बोल रहा, अरे आकाश आ तू, अरे आकाश आ। अरे मैं बोला भाई ट्रेन मिलने थे, आता है बोला। फिर इनको बोला कैसा का ऐसा ना, 2000 रुपये भरो बोला। एक बंदा बोल रहा है मेरी अज्जी का भाई ठीक नहीं, मैं यहाँ पर जॉब ढूंढने आया हूँ। एक बंदा बोल रहा है मैं न्यूज़पेपर डालता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा वैसा ऐसा सब बहुत सारा बात हुआ। TC ने बोला भाई 2000 रुपये दो, और मेरी फट रही है भाई, क्यों? क्योंकि मेरा जो बैग है जिसमें पैसा है वो उसी बंदे के पास है।
फिर क्या होगा, क्या होएगा, क्या होएगा। ये बंदे से मांगा 2,000 रुपये, ये लोग ने ऐसा रो 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 के 50 रुपये दिया। गए घर पे, फिर मम्मी का फ़ोन आता है कि हाँ आकाश, तुझे फेयरवेल के लिए पैसा चाहिए था ना कपड़े का। मेरे को तभी याद आया भाई, मैं एफएस के लिए गया था एक्चुअली मैं। फिर वापस आया, फिर दोस्त को बोला चल जाते जरा कपड़ा लेने जा रहे हैं। गया भाई, एक्चुअली मैं एफएस जाने नहीं वाला था क्योंकि मुझे सिर्फ एक ब्लेज़र चाहिए था जो वहाँ पर सस्ता मिलता है मनीष मार्केट के इधर। फिर गया भाई, गया दोस्त को लेके गया। मैंने भाई प्लान कर लिया था कि 1,000 रुपये का ले लेगा। ये बंदा गया वहाँ पर भाई, एक ब्लेज़र लगा था, तभी ब्लेज़र एक्चुअली ब्लेज़र लेने जा रहा था, तभी एक श्रक था, श्रक करके कुछ आता था 600-700 का आता था यहाँ पर, अगर ओरिजिनल लगा तो बहुत महंगा था। तो मैं बोला चल इसको दे देते, वैसे ही मेरा ब्लेज़र तो पड़ा था। गया भाई दोस्त को लेके, ये बंदा भाई जो इसका बार्गेनिंग पावर है भाई, इसके साथ तो अगर तुम आईफोन भी लेने जाओगे ना तुम्हें वो फ्री में दे देगा। गया भाई बंदा, कितने का अंकल? वो अंकल बोल रहा है भाई 700 रुपये का है, 600 में ले ले। अरे अंकल कल ही लेके गया था 150 रुपये में। वो भाई अंकल शॉक हो रहा है भाई, ये बंदे को मैं पहली बार देख रहे हैं। तो फिर बोला चलो भाई 400 दो। नहीं अंकल 150 में दो, पिछले बार भी लेके गया था ख़राब हो गया। वो अंकल वापस सोच में पड़ गया। फिर बोला चल बेटा लास्ट बता, बोलते 150 रुपये। वो अंकल बोले यहाँ से सीधा जा, लेफ्ट मारो, वहाँ पर समोसा को दुकान है, वापस समोसा करके गपचुप निकल जा घर पे। फिर ये बंदे को गुस्सा आया, चलते बना। फिर वो बेचारा अंकल का भी बोने का टाइम था, वापस बुलाया चल बेटा लास्ट बोल, नहीं अंकल 150 रुपये। फिर ले भाई रख ले बोल के, बोने का टाइम बोल के दे दिया। जो टी शर्ट को मैं, सॉरी जो श्रक को मैं 700 रुपये देने वाला था, मैं कितने रुपये दिया? 150 रुपये। ऐसे काम के बंदे लोग। फिर गया गया, हम जा रहे थे ऐसे ही, मैं बोला चल इसको अभी, इसने इतना अच्छा मेरा काम कर दिया, फिर इसको मैं थोड़ा खिलाया पिलाया। तभी वो चोमू का फ़ोन आता, अरे हेलो भाई वो लेंस का मांग रहा है, क्योंकि हमारा जो कैमरा था वो खुद का नहीं था, रेंट का था। वो जो बैग रह गया था उसके अंदर लेंस था, तो उसका कुछ अमाउंट था 1,75,000 ऐसे कुछ तो भी था, 75,000 के आसपास, जो हमने कभी देखा नहीं था उस टाइम में। फिर भाई क्या करेंगे, सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना था। इसका भाई फ़ोन आ रहा है भाई 3,000 रुपये दो सब लोग। मैं बोला हाँ ठीक है भाई, अभी थोड़ा एक महीने का टाइम दे, नहीं तो फिर मैं तेरे को देता है बोला। ये भी सेम बोला। फिर इसका दिमाग चला, क्योंकि मेरे पास थोड़ा पैसा था, इसके था मतलब दोनों का मिलके एक 2,400 हो रहा था, 2,400 समथिंग। बाजू में मनीष मार्केट है थोड़ा सा दूर, वहाँ पर ही मुंबई की तरफ। गए भाई टैक्सी करके, ये बोला भाई वहाँ पर ना लेंस वगैरह बहुत सस्ता मिलता है, जाके लेते। इसका ये भाई बिजनेस माइंडेड है, अगर इसके सामने अगर शार्क्स भी आ गए ना, इतना बिजनेस आइडिया देगा ना कि शार्क भी भूल जाएगी कि कितना इन्वेस्ट करूँ कर करके। ये बोलता है भाई हम लेंस लेते हैं इधर से सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड उन सबसे 3,000-3,000 कॉन्ट्रीब्यूट करके लेते, अपना भाई फायदा है। बोला चल फिर देखते। ये भाई गया मनीष मार्केट में, कुछ तो कौन सा लेंस था मेरे को याद भी नहीं आया, मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं है। उस बंदे ने लिया, वो अंकल ने दिखाया ना एकदम, मतलब तभी क्या, अगर सुबह जाता तो अच्छा मिलता था, पर ये शाम को ऐसा चोर वगैरह आते ज़्यादा करके। तो आया भाई ऐसे ऐसा लेंस दिखा रहा है भाई, अच्छा का लेंस है, एकदम अच्छा खासा है। बोला हाँ कितना? 4,000 बोला, और एक में डैमेज था वो कितना, 1,500 बोला। ठीक है, ये बंदे को मैंने बोला वैसे ही ले ले, कुछ कर मत। इसने बोला मेरे को अगर थोड़े पेटी पैक करके दो। वो अंकल ने पेटी पैक करके दिया। हम बोल रहे भाई इतना कैसा, क्या वजन है, वजन है, वजन है। जब हम आगे 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 आए देखने गया तो अंदर पत्थर और आलू डाल के दिए, सीरियसली मजाक नहीं। फिर वापस भाग भाग के रिटर्न आए, देख रहे तो दुकान ही गायब। इतना घटिया दिन था ना उस दिन का। और भाई तभी मेरी थी गर्लफ्रेंड भाई, उसका अलग से फोन, हेलो हेलो, अरे यहाँ किधर है किधर है। मैं भाई क्या बोलूँ क्या बोलूँ। फिर भाई हो के फिर आए घर पे, मुँह लटकाए, ये बंदा भाई रो रहे मेरे सामने, अरे भाई मेरा पैसा पैसा। और अब मैं भी क्या करूँ, मेरे पास भी नहीं। फिर कैसा दिमाग गर्म होते जा रहा था, तो सोचा थोड़ा स्टेशन मधुबन हो के आते। गए मधुबन में, थोड़ा पैसा जो बचा था मेरे पास, जो मैं श्रक को देने वाला था, सोचा थोड़ा जूस वगैरह पी लेंगे। गए गए, ये बंदे पास पैसा नहीं था। गए गए गए, फिर भाई वहाँ पर मधुबन की तरह थोड़ा जूस पीने में बैठ गए, जूस पी रहे भाई। ये बंदा मेरे को पीछे से बोल रहा है, अरे आकाश पिज़्ज़ा खाएगा क्या, अरे आकाश ये खाएगा क्या। मैं बोला भाई जो बंदा कल तक मुझे समोसा नहीं खिला रहा था, अचानक से मेरे को क्यों पूछ रहा है। पीछे देखा तो पता चला वहाँ पर हमारी बी क्लास की अंजलि बेटी है। भाई मेरे को इतना हंसना आया, इतना हंसना आया, ये बंदा लड़की रहेगी ना तो इतना पटेली, इतना पटेली कि क्या बताएं।